हेलो एवरीवन इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस ईयर्स ओलंपियाड के एग्जाम से लिया है यहाँ देखें 3 टू डी पावर 3x माइनस 5 इक्वल तू 1 बाय 9 टू डी पावर एक्स इस समय सबसे पहले हम 9 को फैक्टराइज कर लेंगे 9 को जब फैक्टराइज करेंगे तब होगा 3 थ्री जन 9 और अब हम लिख सकते हैं 3 तू डी पा� थ्री स्क्वेर थ्री एंड थ्री है इसलिए थ्री स्क्वे टू दावर थ्री टू दावर थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू एक्सपोनेंट में आपको याद होगा वन बाय ए टू दावर एक्स इक्वल टू ए टू दावर माइनस एक्स. इसी फॉर्मूले का अब हम यहाँ पर यूज करेंगे और जब यूज करेंगे तब ये बन जाएगा थ्री टू दावर माइनस टू टू दावर यक्स थ्री टू दावर थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू एक्सपोनेंट में होता है ए टू पावर एम टू a टू ए टू दावर इसी फॉर्मूले का जब हम यहां पर यूज करेंगे तब ये बन जाएगा थ्री टू पावर माइनस टू एक्स यहां देखें दोनों का बेस सेम है यानी दोनों का बेस थ्री है तो पावर भी इसका सेम होगा और जब पावर सेम होगा तब हम लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू माइनस टू एक्स और थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो पर माइनस टू एक्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए हैं इसलिए ये पॉजिटिव हो गया और थ्री एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू यहां लेफ्ट हैंड साइड से माइनस फाइव को राइट हैंड साइड में हम ट्रांसपोज कर रहे हैं जब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तब ये प्लस फाइव बन जाएगा टू फाइव बाई फाइव इक्वल टू वन और वी कैन राइट यक्स इक्वल टू वन लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें थैंक यू